आगामी बजट में कुछ अच्छी चीजें इंदौर को मिलने की संभावना है, विशेष तौर पर इंदौर मनमाड़ फतेहाबाद उज्जैन अमान परिवर्तन तथा इंदौर देवास डबलिंग, ये मुख्य सुविधाएं इंदौर को मिलने की पूरी संभावना है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंदौर दावोदार छोटा उदयपुर कठुआ, उसके लिए भी पर्याप्त धनराशि का आवंटन मिल सकता है। जहाँ तक नई रेलगाड़ियों का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि आगामी बजट में कोई नई रेलगाड़ी की घोषणा की जाएगी। ये सब बजट सत्र समाप्ति के पश्चात रेलवे बोर्ड अपने मन मौके पर तय करेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी गाड़ी चलेगी। किराया बढ़ाने की संभावना इस वक्त तो कम लग रही है, क्योंकि रेलवे ने अपनी एक व्यवस्था बना रखी है जो हर 6 महीने में किराए का रिव्यू करती है। तो किराया बढ़ाने का काम तो वही कमेटी करेगी, इस बजट में कोई घोषणा होने की संभावना नहीं है। कुछ सुविधाओं का एडजस्टमेंट हो सकता है, जो कंसेशन है कंसेशन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा फंड्स क्रिएट करने के लिए दूसरे मेजर्स की भी घोषणा हो सकती है। इस प्रोजेक्ट बजट वास्तविक होना चाहिए, बजट देना लोक लुभावन देना बहुत आसान चीज़ रहती है, पर वास्तविक उस इंस्टीट्यूशन को धरातल पर यदि खड़ा करना है तो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों को स्वीकार करके बजट निर्मित किया जाता है। बजट का मूल फिलोसॉफी तो है कि अवेलेबल फंड्स और एक्सपेंसेस इसका मिलाप कराना। अवेलेबल फंड्स बढ़ाने के लिए क्या क्या सोर्सेस टैप किए जाते हैं रेलवे मिनिस्टर द्वारा, वो महत्वपूर्ण रहेगा और उसी पर व्यय की निर्भरता बनेगी। क्योंकि आगामी पे कमीशन के जो रेलवे पर भार आना है उसको मिट आउट करने के लिए भी रेलवे को पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे केसेस में पैसा कहाँ से आ रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, बनिस्बत इसके कि कहाँ व्यय हो रहा है।